हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एग्रीकल्चर गुरु चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में सोयल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोयल शब्द जो है वो किस भाषा से बना है। सोयल लैटिन भाषा का शब्द है। सोयल के ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और मोर्फोलॉजी का अध्ययन करना कहलाता है, तो इसे पेडोलॉजी कहते हैं। सोयल का क्रॉप ग्रोथ के साथ जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी करना कहलाता है, तो इसे एडाफोलॉजी कहते हैं। द फादर ऑफ सोयल साइंस, सोइल साइंस के फादर वीवी डोक्यूचेव है। सोइल में सोइल वाटर की कितनी कंसंट्रेशन या मात्रा होती है? इसका आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में जो सोइल्स हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर कितने परसेंटेज होता है? तो इसका आंसर है 5%। नेचुरल सोइल एग्रीग्रेट्स या फिर मास को जाना जाता है, इसे पैड्स कहते हैं या फिर पैड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोइल साइंस की वह शाखा जिसके अंदर रॉक्स या चट्टानों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है? तो ये आग्नेय चट्टाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और डोलोमाइट, ये क्या है? तो स्टूडेंट, ये सेडिमेंटरी रॉक्स चट्टाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनेसिस मार्बल, क्वार्टजाइट और स्लेट, ये क्या है? इसका आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि द रॉक्स गेट्स ब्रोकन इन पीसेस ड्यू टू टेम्परेचर इज कॉल्ड, जब चट्टाने टेम्परेचर के कारण टूटती हैं तो उसे कहते हैं। इसका आंसर है एक्सफोलिएशन, इसे एक्सफोलिएशन के नाम से जाना जाता है। द मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑन अर्थ क्रस्ट, भूपपड़ी में पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है सबसे ज्यादा? तो वह फेल्सपार। सोयल में वह कौन सा मिनरल है जो फॉस्फोरस और बोरोन का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका आंसर है एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल, सोइल की वर्टिकल सेक्शन या वर्टिकल कार्ट जिसमें कि सभी होरिजन्स मौजूद होते हैं उसे कहते हैं, इसे सोइल प्रोफाइल कहते हैं। कौन सा होरिजन फर्टाइल जोन के नाम से जाना जाता है या उसे फर्टाइल जोन कहते हैं? तो इसका आंसर है ए होरिजन, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी होरिजन आर कलेक्टिविटी, इनके कलेक्टिविटी को किस नाम से जाना जाता है? इसे सोलम कहते हैं। ए प्लस बी प्लस सी होरिजन को जाना जाता है, इनके कॉम्बाइन होरिजन को जाना जाता है या फिर इसे कहते हैं, तो इसे रिगोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल ऑफ सोइल, प्राइमरी पार्टिकल सोइल के अरेंजमेंट को सोइल स्ट्रक्चर कहते हैं। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं, इसे सोइल टेक्सचर के नाम से जाना जाता है, इसे सोइल टेक्सचर कहते हैं। द बेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्सचर या फिर सोइल टेक्सचर कौन सा है? तो यह है लोमी, या फिर लोमी सोइल का टेक्सचर सबसे बेस्ट होता है।
NBSS और LUP सेंटर कहाँ पर स्थित है? स्टूडेंट, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, नेशनल सेंटर्स नेशनल इंस्टीट्यूट, जो आप देख सकते हैं, यह नागपुर में स्थित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।